हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर ग्रेड 6 सीबीएसई का, और इस चैप्टर का नाम है द फ्रेंडली मोंगूस। ये चैप्टर पंचतंत्र की कहानियों में से उठाया गया है। अब ये पंचतंत्र क्या था, ये बहुत पुरानी एंशिएंट इंडिया की कहानियां हैं जो एनिमल्स से रिलेटेड होती हैं, और इनका एक पर्पस होता है, इनका एक मॉरल होता है। तो उन्हीं एंशियंट इंडियन स्टोरीज में से एक छोटी कहानी आपकी टेक्स्ट बुक में है, और जनरली ये संस्कृत में लिखी जाती थी। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या सीखने को मिलता है। तो कहानी बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कहानी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि हम इंसान कई बार अपने सेंसेस, अपने होशो हवास खोकर बिल्कुल सोचे समझे बिना बहुत जल्दी एक्शंस ले लेते हैं। मुझे पता है आप लोग भी लेते होंगे कई बार। बाद में हमें रियलाइज होता है कि हम कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं, क्योंकि उस टाइम जब हम एक्शन ले रहे होते हैं, जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, तो हम इतना गुस्से में होते हैं या इतना खुश होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत। तो ये उसी लेसन को, उसी बात को समझाती है कहानी। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने को मिलता है। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। दे लव्ड हिम वेरी मच। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन, मतलब फ्रेंड। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। तो एक विलेज के अंदर, एक गांव के अंदर एक फार्मर और उसकी वाइफ रहते होते हैं, और उनको एक बच्चा होता है, एक लड़का पैदा होता है। तो वो बच्चा अभी छोटा ही होता है कि जो फार्मर होता है वो बोलता है अपनी वाइफ को कि देखो, मुझे लगता है कि अब हमें एक पेट अपने पास रख लेना चाहिए, ताकि वो हमारा जो बच्चा है वो उसकी कंपनी में रहे और उसको एक दोस्त मिल जाए। एनिमल्स बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं आपके, ठीक है? बहुत वफादार और बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। तो फार्मर को ये लगता है कि हाँ, हम ऐसा एक पेट लेकर आते हैं। पेट नहीं बताया उसने क्या पेट रखेंगे, वो डॉग रखेंगे, बिल्ली रखेंगे, क्या। बट उसको ये था कि जो बच्चा है अकेला ना हो, उसको एक दोस्त मिल जाए। तो जो वाइफ होती है वो सहमत होती है इस आइडिया से, और वो बोलती है कि ठीक है, ऐसा करते हैं, पेट ले आते हैं। मैं बिल्कुल ठीक है, मुझे आइडिया पसंद आया, पेट ले आते हैं हम लोग अपने बच्चे के लिए। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मोंगूज। ये देखिए, इट्स अ बेबी मोंगूज, सेड हिज वाइफ, बट विल सून बी फुली ग्रोन। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। तो जो वाइफ होती है, एक बार जब पति घर पे आते हैं, फार्मर घर आता है एक इवनिंग, तो वो अपने साथ एक छोटा सा बेबी मोंगूज लेकर आते हैं, जो वो पेट एडॉप्ट कर लेते हैं। तो जब बेबी मोंगूज होता है, उसको जब वाइफ देखती है, वो बहुत खुश हो जाती है। अरे, ये तो ये भी छोटा सा है। बट फिर वो बोलती है, हाँ मुझे पता है, ये भी हमारे बच्चे की तरह जल्दी ही बड़ा हो जाएगा, अपने रेगुलर साइज में आ जाएगा, नॉर्मल में। और फिर उसके बाद जैसे दोनों इकट्ठे बड़े होंगे, बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे। बोथ द बेबी एंड द मोंगूज ग्रीन। इन 5 or 6 months द मोंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, अ लवली एनिमल विद टू शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बुशी टेल। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटिवली। तो जैसे ही वो मोंगूज घर आ जाता है, जैसे महीने बीतते हैं, 5 या 6 महीने के अंदर अंदर मोंगूज अपने पूरे साइज में, अपनी बॉडी में आ जाता है। बहुत प्यारा सा, ये देखिए, नटखट सा एनिमल जिसकी दो शाइनिंग आईज होती है, और एक बहुत ज्यादा फ्लफी जैसे डॉग्स की होती है टेल होती है। तो जो फार्मर का जो बच्चा होता है, अभी वो छोटा ही होता है,
वो क्रेडल का मतलब एक छोटा जो बच्चों का बेड होता है, इसमें बच्चे रेस्ट करते हैं, वो उसी में पड़ा होता है, उसी में रहता है। अभी छोटा होता है, कभी सो रहा होता है, कभी रो रहा होता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। बट अभी वो अपना नॉर्मल साइज में, रेगुलर साइज में, सेंसेस में नहीं आया था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार, द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम, फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूस। तो रॉक्ड का मतलब पहले मैं बता देती हूँ, रॉक्ड का मतलब होता है मूव करना, उसको स्वे करना एक साइड से दूसरी साइड, धक्का मारना, जैसे आप झूले को मारते हैं ताकि बच्चा सो जाए। और फ्रैंकली का मतलब होता है ऑनेस्टली। तो एक बार क्या होता है, फार्मर की वाइफ बताती है फार्मर को कि ऐसा है कि मुझे मार्केट जाना है, मैंने बेबी को खाना खिला दिया है, उसको लोरी भी सुना दिया, उसको थोड़ा हिला भी दिया, टहला भी दिया ताकि वो सो जाए, और उसको उसके क्रेडल में, उसके बेड में रख दिया है। अब मैं मार्केट जा रही हूं और आप प्लीज, उसने अपनी बास्केट उठाई जिसमें सामान लेकर आना था, और वो फार्मर को बोलती है कि देखिए मैं मार्केट जा रही हूं, बेबी सो रहा है, जरा नजर रखिएगा, क्योंकि अगर मैं एक बात बताऊं वो दिल से, वो ये है कि मुझे ना बेबी को अभी भरोसा नहीं है अकेले मोंगूस के साथ छोड़ना, तो प्लीज आप बेबी को अकेले मोंगूस के साथ मत छोड़िए और यहीं पे रहिएगा। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, सेड द फार्मर, द मोंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल, इट्स एज स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो। तो फार्मर उसको बताते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। नीडेंट का मतलब नीड नॉट बी अफ्रेड, बिल्कुल घबराओ मत, मोंगूज एक बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली एनिमल है, बहुत प्यारा एनिमल है, और ये कोई हार्म नहीं करेगा, बहुत अफेक्शनेट है, बहुत काइंड है, ये कोई हार्म नहीं करेगा हमारे बेबी को। और अब तो वो दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। अब जैसे ही वाइफ मार्केट को निकल जाती है तो फार्मर को लगता है मोंगूस भी घर पे है और मेरे पास कुछ करने को भी नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ, घर के बिल्कुल पास में ही मेरे खेत हैं, मेरी फील्ड्स हैं, ज्यादा दूर भी नहीं है, मैं एक चक्कर लगाकर वापस आ जाता हूँ, क्या होगा इतनी देर में, कुछ भी नहीं होगा, एनिमल तो है ही है मेरे बेबी के पास। तो वो फील्ड्स को निकल जाते हैं अपने, और आते हुए वापस जब वो आ रहे होते हैं तो ही रैन इन टू, मतलब उनको उनके कुछ दोस्त टकरा जाते हैं और फिर वो गप्पे मारने लग जाते हैं और लेट हो जाते हैं घर आने के लिए। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। ग्रोसरीज का मतलब होता है फूड एंड अदर आइटम्स, खाने की चीजें। शी सॉ द मोंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। जैसे यूजुअली आपको देखकर आपके पेट्स आपकी तरफ भाग ही आते हैं, एक आपको जानते हैं, वो फेमिलियर होते हैं, तो वो भाग के आपके पास आते हैं अपना प्यार दिखाने के लिए। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मोंगूज एंड स्क्रीम, चिल्लाई, ब्लड शी क्राइड, द फेस एंड पॉज ऑफ मोंगूज वर स्मेड विद ब्लड। तो होता क्या है, वाइफ जो है वो वापस आ जाती है मार्केट से शॉपिंग कर कर सामान लेकर, और उसके हाथ में बास्केट होती है जिसके अंदर फूड आइटम्स या बाकी सारा सामान होता है घर का। तो जैसे ही वो घर के पास आती है तो वो देखती है कि मोंगूस बाहर बैठा हुआ है, जैसे पेट्स बैठे होते हैं, और उसको देखकर फटाफट भागा मोंगूस लेडी के पास जाता है।
जैसे सारे पेट्स जानते हैं, हमेशा ही वो ऐसे करता था, लेडी के पास प्यार दिखाने जाता था। तो जैसे ही वो जाता है उसके पास, लेडी के पास, उसको वेलकम करने, तो जो फार्मर की वाइफ होती है वो ध्यान से देखती है उसके फेस पे, उसके पाँव पे, उसके पॉज, मतलब उसके जो चलने वाले उसके फीट होते हैं उस पे खून लगा होता है, और वो जोर से चिल्लाती है खून और रोने लग जाती है। उसे लगा कि उसके बेबी को हार्म कर दिया है मोंगूस ने, कोई नुकसान पहुंचा दिया। वो बोलती है, यू विकेड एनिमल। विकेड का मतलब, विकेड मतलब इविल, क्रूअल, मीन। यू किल्ड माय बेबी। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, पागलों की तरह इमोशनल होके वो चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड इन रेज, रेज मतलब एंगर। विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन दी हेवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज ऑन द ब्लड स्मियर्ड मोंगूज एंड रैन इन साइड टू द चाइल्ड्स क्रेट। तो मोंगूज को देखते ही उसे लगा कि इसके आसपास खून खून है, और इसने मेरे बच्चे को, मेरे बेबी को मार दिया है। इतना अंधी हो गई थी वो अपने डर से, अपने गुस्से में, कि उसके हाथ में जो बास्केट थी जिसमें ग्रोसरी थी, उसने सारा जोर लगाकर वो बास्केट मोंगूस पे दे मारी, पूरी एनर्जी लगाकर। और उसके बाद उस पे चिल्लाती हुई अंदर चली गई अपने बच्चे के पास, अपने बच्चे के क्रेडल पे, जहां पे उसको सुला कर गई। द बेबी वॉज फास्ट असली, बट ऑन द फ्लोर ले पड़ा हुआ था ब्लैक स्नेक, टॉर्न टुकड़ों में एंड ब्लीडिंग, खून निकल रहा था। ये देखिए, इन अ फ्लैश, एक सेकेंड में शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मोंगूस। ओ, यू सेव्ड माय चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। शी क्राइड टचिंग द मोंगूज हु ले डेड एंड स्टिल, अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग। उसके रोने का कुछ नहीं पता लग रहा था मोंगूज को। द फार्मर्स वाइफ हु एक्टेड हेस्टिली, हरिडली एंड रैशली, केयरलेसली, स्टेड लॉन्ग एट द डेड मोंगूज। शी देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड। अब जैसे ही उस अंदर गई वो लेडी, तो उसने देखा कि बेबी तो आराम से सो रहा है, गहरी नींद में है, और पास में ही एक ब्लैक स्नेक टुकड़ों में पड़ा हुआ है और उसका ब्लड भी निकला हुआ है। और एक सेकंड में उसे समझ में आ गया कि सारी स्टोरी क्या है। फटाफट वो भागी बाहर को मोंगूस को देखने के लिए, और उसको रियलाइज हुआ वो मोंगूस को हाथ लगाकर रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी, लेकिन मोंगूस को तो पता ही नहीं चला, क्योंकि वो तो मर चुका था। उसे तो उसके रोने का भी नहीं पता चला, वो बेचारा तो पहले ही मर चुका था। तो फार्मर की जो वाइफ है वो रोती रही कि मैंने इतनी जल्दबाजी में ये क्या कर दिया। काफी देर तक वो मोंगूस को देखती रही और रिग्रेट करती रही, उसे बुरा लगा। फिर एकदम से अंदर से बच्चे के चीखने की, रोने की आवाज आती है। वो अपने आंसू वाइप, मतलब साफ कर कर अंदर चली जाती है उसको खाना देने के लिए, खिलाने के लिए। तो मतलब ये कि जो लेडी है उसको दुख हुआ, वो रो रही थी, वो कंटिन्यूसली एनिमल को देख रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, तो आई होप हमें समझ में आ गया है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के एक्शंस लेने चाहिए। थैंक यू।